आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। नमस्कार, मैं हूं बरखा और आप हमारे साथ जुड़े हैं डीडी न्यूज यूपी के यूट्यूब चैनल पर। 13 साल के इंतजार का फल आखिरकार इंडियन टीम को मिल चुका है। इंडिया ने 7 रनों से साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज कर ली है। इस दिन का इंतजार प्लेयर्स के साथ साथ पूरे देश को था। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित कनौजिया, जो एडिटर हैं और जिन्होंने कई वर्ल्ड कप्स को कवर भी किया है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा। सर, इंडिया ने आखिरकार जीत दर्ज कर ली है, कैसे देखते हैं इसको? ये सिर्फ जीत नहीं है, ये वो लम्हा है जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस अंदाज में टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपना परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी को एक शौर था कि कप तो इस बार हिंदुस्तान में ही आएगा। और रोहित एंड कंपनी ने उस भरोसे पर पूरी तरीके से खरे उतरते हुए कप पर कब्जा किया। ये जीत बहुत खास है क्योंकि पिछले कई सालों से टीम इंडिया बिल्कुल नज़दीक पहुंचती थी। जैसा कि 2023 का वर्ल्ड कप था जो कि इंडिया में हुआ और अहमदाबाद में फाइनल खेला गया, वर्ल्ड कप फाइनल 50 ओवर क्रिकेट का, जिसमें टीम इंडिया ने सभी मैच जीते लेकिन फाइनल में आकर के एक हार और 140 करोड़ भारतीयों के सपनों पर पानी फिर जाना। वहाँ से टीम का एकजुट होना, बिखरना नहीं, ये दिखाता है कि टीम इंडिया में कितनी मानसिक मजबूती थी। और यहाँ श्रेय देना होगा सपोर्ट स्टाफ को, खासतौर पर हेड कोच राहुल द्रविड़ को, जिनका कि आखिरी असाइनमेंट था टीम इंडिया के साथ। और वो बहुत खुश होंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने करियर में, वो बतौर क्रिकेटर, बतौर कप्तान भी उन्होंने वर्ल्ड कप खेले लेकिन हर बार वो दूसरे एंड पे रहे, लूजिंग एंड पे रहे, लेकिन इस बार बतौर कोच वो विजेता टीम के कोच हैं भारतीय टीम के, तो ऐसे में वो भी बहुत खुश होंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम के खिलाड़ी, उन्हें चाहे रोहित हो, चाहे विराट हो, बुमराह हो, हार्दिक हो, ऐसे सारे खिलाड़ी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया और जश्न मनाने का मौका दिया। बिल्कुल सर, आप रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, इस बार इंडियन टीम ने सारे मैच जीते हैं, कप्तान के तौर पर कितने सफल हुए रोहित शर्मा? देखिए, कप्तान के तौर पर उनकी कप्तानी पे कभी कोई डाउट नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है बतौर कप्तान, आपने कितने ट्रॉफी, कितने कप जीते हैं और ख़ास तौर पर आईसीसी क्रिकेट में आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, उससे ही तय होता है। हम कपिल देव को क्यों महान कप्तान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 1983 में पहली बार टीम इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताई थी, वो भी तब जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। फिर उसके बाद बारी आई महेंद्र सिंह धोनी की, हमें कितना इंतजार करना पड़ा। 1983 से 2007 आया जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। फिर उसके 4 साल बाद अगर देखा जाए 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो लगभग 28 साल बाद इंडिया ने 50 ओवर के क्रिकेट में बादशाहत हासिल की मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो जब आप आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हैं तभी तो आप महानतम कप्तानों में शुमार किए जाते हैं। रोहित शर्मा के पास अगर आईपीएल पे जब नज़र डालते हैं तो 5 ट्रॉफी हैं, जो बताती है कि वो बहुत ही आला दर्जे के कप्तान हैं। लेकिन अब वो करियर के जिस मकाम पे हैं, लगभग जैसा, तो आप ये कह सकते हैं कि अब उनको जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनके पास एक टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी भी है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप पे गर्व उनको होगा कि उन्होंने जो किया, जो सपना लेकर के क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसको पूरा करने में कुछ हद तक कामयाब रहे। बिल्कुल, रोहित शर्मा की बात हो गई। विराट कोहली ने पूरे मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था लेकिन फाइनल्स में उन्होंने कमाल कर दिया, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, रोहित शर्मा से जब फाइनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि विराट कोहली का बल्ला बड़ा खामोश है, तो रोहित ने जवाब दिया कि विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, हमें पूरी उनकी उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, हो सकता है कि उनका बेस्ट जो है वो फाइनल में आना है, और जो उन्होंने और पूरी टीम को उन पर भरोसा है, और जो उन्होंने उम्मीदें विराट कोहली पर लगाई थी, हालांकि विराट कोहली से उम्मीदें सिर्फ टीम इंडिया को नहीं थी, पूरे देश को थी कि शायद इस बार ये जो उनका ये जो फाइनल है उसमें कुछ कमाल करेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, एक छोर टीम इंडिया का संभाला, अगर आपने देखा पहले ओवर में उन्होंने बिल्कुल अटैकिंग मोड में नजर आए, लेकिन जब देखा कि 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए तो वापस वही विराट कोहली हो गए।
जो कि नंबर तीन पे बल्लेबाजी करने उतरता है, अगर दो एक या दो झटके जल्दी लग जाते हैं तो पहले संभल करके गेंदों को सिंगल डबल लेकर के स्ट्राइक रोटेट करना, और जब एक मकाम तक पहुंचना कि एक स्कोर ठीक ठाक टीम इंडिया का बन गया है, उसके बाद गियर चेंज करना और तेजी से रन बनाना, यही काम उन्होंने किया बारबाडोस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो इस मुकाबले से पहले उन्होंने 75 रन बनाए थे और फाइनल में उन्होंने 76 रन बनाए। वो 76 रन उन्हें जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि इस 76 रन ने टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में एक अहम रोल प्ले किया। 75 रन पूरे सभी मुकाबलों में मिला के और 76 रन इसमें, ये ठीक उसी तरीके से है जैसा 2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप था, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका और भारत के बीच फाइनल खेला जा रहा था। धोनी ने पूरे टूर्नामेंट कुछ खास नहीं किया था, कप्तानी बड़ी शानदार रही क्योंकि उनको करने का मौका भी नहीं मिला। कभी वीरेंद्र सहवाग, कभी विराट कोहली, कभी गौतम गंभीर, कभी सचिन तेंदुलकर, इन्होंने लगातार रन बनाए, युवराज सिंह भी। लेकिन जब फाइनल मुकाबला आया, जब लगा कि नहीं अब उन्हें आज जरूरत है, महेंद्र सिंह धोनी आगे आए, उन्होंने युवराज सिंह के ऊपर अपने आप को प्रमोट किया और बाकी तो दुनिया जानती है कि उस मैच में जो उन्होंने पारी खेली। तो इसी तरीके से विराट कोहली, और विराट कोहली जैसा कि हमने जो पिछला अपना YouTube लाइव किया था उसमें भी मैंने कहा था कि ऐसा मुझे लगता है और बहुत भरोसा है कि विराट कोहली का ये आखिरी T20 है, ब्लू जर्सी में इंटरनेशनल करियर में ये आखिरी T20 है, और रोहित शर्मा का भी। तो आपने देख ही सकते हैं कितने भावुक भी थे जी, और पूरी टीम ही भावुक थी, चाहे आप किसी एक की बात करें, राहुल द्रविड़ भी बतौर कोच उनका आखिरी असाइनमेंट था, रोहित शर्मा ने भी जाते जाते जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने बोला कि आई एम ऑल्सो रिटायरिंग। तो देखिए दो ग्रेट, एक कह सकते हैं कि T20 क्रिकेट में एंड ऑफ एन एरा ऑफ मॉडर्न ड्यू जी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप पिछले दशक निकालेंगे, मैं कहूँगा 2012 के बाद से और 2024 तक, लगभग एक दशक से कुछ ज़्यादा समय हुआ, आप देखेंगे कि T20 क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा, और ना सिर्फ T20 इवन वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन, उसके अलावा दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में शुमार। तो ये दोनों बल्लेबाजों का जाना, कह सकते हैं कि थोड़ा सा लगेगा कि फैंस को दोबारा नहीं दिखेंगे, लेकिन सही समय पर सही फैसला है। और क्योंकि अब आने वाला जो समय है यंग गन्स का है, यंग ब्लड्स का है, और टीम इंडिया में बहुत सारे यंग चेहरे हैं जो जगह का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो जगह भर पाएंगे। सर आप यंग खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, अब दोनों ने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया, आप किसको, किस यंग प्लेयर को देखते कि वो उन दोनों की जगह ले पाएंगे, मतलब उनके जैसे? अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि रोहित और विराट को भी, विराट कोहली और रोहित शर्मा बनने में लगभग 1.5 दशक, लगभग 15 साल लगे जी। आज वो जिस मुकाम पे हैं, अगर तो कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। अभी कई खिलाड़ी हैं जिसमें सबसे पहला नाम मैं कहूंगा कि अभी जो अभी जिम्बाब्वे दौरे के लिए कैप्टन बनाए गए हैं, शुभमन गिल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, बहुत प्रॉमिसिंग बल्लेबाज हैं। उन्होंने एशियाड में टीम इंडिया की कप्तानी की थी, वहाँ पे गोल्ड मेडल भी जिताया था। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हैं। उसके अलावा संजू सैमसन है, हालांकि संजू सैमसन काफ़ी थोड़े से अंदर बाहर होते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे टीम इंडिया में नए खिलाड़ी को लगा, जैसे एक शर्मा जी गए तो एक और शर्मा जी हैं जो तैयार हैं, वो है अभिषेक शर्मा, तो उनको भी मौका मिलना। शिवम दुबे, मुझे लगता है कि अभी उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना है, लेकिन अब उनको एक मौका मिला है अपनी जगह बनाने का। उनके पास वो सारे शॉट्स हैं जो हम कभी युवराज सिंह में देखते थे, जिस तरीके से वो शॉट्स मारते हैं, उनका आर्क है बल्लेबाजी करने का, जो लंबे शॉट्स मारते हैं वो थोड़े सा, पूरा नहीं, युवराज सिंह के की बराबरी करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि युवराज सिंह एक ही है, एक ही थे और एक ही हैं। लेकिन शिवम दुबे में जो जब वो बाएं हाथ बल्लेबाज वो शॉट्स मारते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्लिम्प्स दिखते हैं जैसे युवराज मारते थे। तो अभी उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना बाकी, ये 3-4 खिलाड़ी हैं, ऐसे ही कई नए गेंदबाज भी हैं जो आ रहे हैं, उनको भी दिखाना है। और लगातार अभी धीरे धीरे जो है ना ट्रांजिशन का दौर आएगा टीम इंडिया में, ये दो खिलाड़ी T20 में गए हैं, नए खिलाड़ियों को जो मौका मिलेगा वो यहाँ अपनी काबिलियत साबित करेंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत जो कि पिछले कई सालों से खेल रहे हैं ये, और हार्दिक पांड्या तो है ही हैं, हालांकि भले ही कप्तान जो हैं शुभमन गिल हैं, लेकिन अभी हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया, लेकिन आने वाले 2 सालों में मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जो हैं T20 में टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे।
हार्दिक पांड्या की आप बात कर रहे थे, फाइनल्स में हार्दिक पांड्या ने भी कमाल कर दिया। पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, इस बार उन्होंने कमाल कर दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कि वो फॉर्म में नहीं थे कि क्या था, लक नहीं साथ दे रहा था उनका? मैं कहूँगा पिछले बीते 2 से 3 महीने जी, जब से मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, जब से मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने उनको मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया था ना, तब से लेकर के जो उन्होंने आईपीएल सीजन जिस तरीके का मुंबई इंडियंस का जितना बुरा गया, तब से लेकर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। इवन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वो ऐसी खबरें आई कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में कहीं ना कहीं वो थोड़े से परेशान नजर आए जैसे। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि ये हार्दिक पांड्या के लिए जीरो से हीरो बनने का सफर था। T20 वर्ल्ड कप में जैसे ही वो खेलने उतरे हैं, एक बदले हुए हार्दिक पांड्या नजर आए, वो हार्दिक पांड्या नजर आए जो वही स्पार्क नजर आया जो उनके शुरुआती दिनों में नजर आता था, वही जोश। और अब तो उनको उनके पास अनुभव भी है, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने उनको आखिरी ओवर दिया तो 16 रन थे, उन्होंने उसको डिफेंड भी किया, ये एक बड़ी काबिले तारीफ है। और इससे पहले उन्होंने जो क्लासन को आउट किया, मुझे लगता है कि जो टीम इंडिया की जीत जो थी ना, उसमें 2 टर्निंग पॉइंट थे, क्लासन को आउट करना वो हार्दिक पांड्या ने किया, उसके बाद एक आखिरी ओवर में डेविड मिलर, भले ही वो विकेट हार्दिक पांड्या, हालांकि उसमें सूर्य कुमार यादव का ज़्यादा योगदान है, लेकिन बॉलर तो हार्दिक पांड्या ही थे और उन्होंने डिफेंड किया तो इसका क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया कि वो टीम इंडिया की सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं। और रोहित शर्मा ने भी उन पर भरोसा जताया पिछले महीनों में, कुछ महीनों में लगातार ये जब क्लब आईपीएल क्रिकेट खेल रहे थे तो लगातार ये खबरें थी रोहित और हार्दिक पांड्या में पटती नहीं है, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं मुंबई इंडियंस के अंदर, कहीं ना कहीं इसमें हकीकत क्या है मुझे, मैं जितना मीडिया में है उतना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें थी। लेकिन कल जिस तरीके से बार्बाडोस में फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा ने बाद में आ करके उनके चीक्स पे किस भी किया और एक तरीके का उनको शुक्रिया कहा जी। वो अपने आप में वो तस्वीर बहुत कुछ बताती है कि जो दिखता है, जो लोग बातें करते जरूरी नहीं सब कुछ सही हो, लेकिन जब आप टीम इंडिया के लिए खेलते हो, हिंदुस्तान के लिए खेलते हो, तो अपने आप में एक अलग जुनून और जज्बा होता है। और सबको पता है ये वर्ल्ड कप फाइनल है जहाँ हर दिन आप फाइनल नहीं खेलते और हर दिन आप जीतने के इतने करीब भी नहीं आते हो, तो ऐसे में जीतना बहुत लाजमी है। आप डेविड मिलर की बात करें, कितना ज़रूरी था उनका विकेट लेना, अगर वो विकेट नहीं नहीं लिया जाता तो मुश्किल था इंडिया को जीतना। देखिए 6 गेंदों पे 16 रन चाहिए थे, वो लो फुल टॉस थी, लगभग उनके बल्ले में वो आ ही गई थी, लेकिन अविश्वसनीय कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा। ये वही कैच है जैसा 1983 में कपिल देव ने विपिन रिचर्ड्स का पकड़ा था पीछे भागते हुए, वहाँ वो पीछे भागते हुए गए थे, यहाँ पर उन्होंने देखा और मेरे ख्याल से उनको दो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड्स मिले होंगे ये तय करने में, कैच लेना है और अपने आप का बैलेंस भी बना के रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो सूर्य ये तब तक थोड़ा डावाडोल था, लेकिन सूर्य कुमार यादव के उस कैच ने ट्रॉफी पे टीम इंडिया का कब्जा बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि अगर वो कैच नहीं होता, छक्का जाता, तो 5 गेंदों पे 10 रन बनाने थे तो तस्वीर कुछ और होती, हालांकि ये होता तो वो होता तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसा ही खेला जाता है, एक गेंद एक कैच पूरा मैच का मिजाज बदल देता है, क्या रिजल्ट होगा वो तय कर देता है। और वैसे ही कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस, तो इट वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, कैचेस विन मैचेस। और सूर्य कुमार यादव भले ही बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन उनकी इस कैच ने सारी भरपाई कर दी। बिल्कुल, आप क्या इसी को इस मैच का टर्निंग पॉइंट मानते हैं? देखिए, मैंने आपको बोला मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट दो ही थे, जब हार्दिक पांड्या ने उस आउट किया हेनरी क्लासन को। हेनरी क्लासन जो बल्लेबाज है ना, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, मुझे लगता है एबी डिविलियर्स के जाने के बाद अगर साउथ अफ्रीकन टीम में कोई इतना खतरनाक बल्लेबाज है जो अकेले दम पर अपना मैच 27 गेंदों पे 52 रन बनाए थे, वो भी है, वो बड़ा अपने आप को कोस रहे होंगे कि बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने चेस करने की कोशिश की। और टीम इंडिया का ये लक था, हार्दिक पांड्या की ये किस्मत थी कि उनकी गेंद पे ये विकेट मिलना था, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब कोई इसी चीज़ को होना होता है तो सब कुछ माहौल सेट हो जाता है, जिसको आप फिल्मी डायलॉग ना पूरी पूरा उसको मिलाने में पूरी मदद करती, तो ये वही एक मौका था। उसने गलती कराई हेनरी क्लासन से, उन्होंने वाइड गेंद पे कुछ चेस किया और पीछे कैच दे बैठे। हालांकि गेंदबाजी मैं कहूँगा बुमराह का ओवर भी बहुत अच्छा था, मेरे क्या 5 ओवर में 28-29 रन बनाना, और जिसके पास 5 विकेट हो
T20 वर्ल्ड कप में 100 में से 99 मैच वो टीम जीत जाती है जिसको 5 ओवर में 28-29 रन बनाने हो, 5 विकेट हाथ में हो, लेकिन वहां से मैच बदल देना, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। बुमराह ने जो अपना ओवर डाला, मार्को यानसन को बोल्ड किया और उस ओवर में 1 या 2 रन दिए थे उन्होंने, उसके बाद अर्शदीप ने भी बहुत अच्छा ओवर किया, यानी कि 4 ओवर में 27-28 रन बनाने थे और उसके बाद 2 ओवर में 20 रन बनाने, आप समझ सकते हैं ना 2 ओवर कितनी कंजूसी से निकाले उन्होंने, उसके बाद दबाव में आ गए। अब जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह पहले आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए, ICC प्लेयर ऑफ द सीरीज, जो पहले भारतीय गेंदबाज हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जसप्रीत बुमराह जब से आए हैं भारतीय जर्सी में तब से वो कमाल ही कर रहे हैं, हर कोई उनका मुरीद है। पहले कहा जाता था कि वो वनडे और टेस्ट, वो वनडे और T20 में ही शायद, लेकिन उन्होंने टेस्ट मैच में बहुत कमाल गेंदबाजी की, बहुत ही कमाल गेंदबाजी की, वो तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के बेहतरीन, सबसे बेस्ट, या कहना चाहिए दी बेस्ट बॉलर हैं, और वो सिर्फ टीम इंडिया की नहीं, अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो वो दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, सीम बॉलर हैं, जो अक्रॉस द फॉर्मेट बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और कहा जाता है कि टूर्नामेंट, अगर किसी टीम को टूर्नामेंट जीतने हो तो उसके गेंदबाज ही टूर्नामेंट जिताते हैं, बल्लेबाज चाहे जितने रन बनाए, लेकिन जब तक गेंदबाज सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को आउट नहीं करते तब तक। लेकिन आप देखिए T20 क्रिकेट में 6 से भी कम की इकॉनमी पे 15 विकेट ले जाना, 14-15 विकेट ले जाना और इस लगातार प्रेशर रखना बल्लेबाजों पे, ये सिर्फ बुमराह ही कर सकते थे। और बुमराह नो डाउट, बूम बूम बुमराह ऐसे उनको कहा जा रहा है, नो डाउट बहुत ही लाजवाब। और टीम इंडिया अगर वर्ल्ड टाइटल को जीतने में कामयाब रही है तो योगदान सभी का है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का योगदान बहुत खास है, क्योंकि जब जब वो आए हैं ना, तब तक जब रोहित शर्मा को लगा कि नहीं अब फंस सकते हैं, उन्होंने बुमराह को याद किया, बुमराह ने उनको कामयाबी दिलाई। ऐसा ही मुकाबला जब पाकिस्तान के खिलाफ इसी T20 वर्ल्ड कप में चल रहा था, उन्होंने मोहम्मद रिजवान को बोल्ड किया था और उसके बाद मैच पलट गया था और टीम इंडिया एक लो स्कोरिंग मैच जीत गई थी। और ऐसा ही कुछ कहानी मार्को यानसन के साथ थी, मार्को यानसन को आउट किया और बदल गई सारी कहानी। और जब तक वो बुमराह नहीं आए थे तब तक लग रहा था कि ये मैच तो अब टीम इंडिया के हाथों से गया, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की कप्तानी की, जिन्होंने सोचा कि पहले हम उस मुकाम पे तो आएँ कि जहाँ से हम मैच को थोड़ा फंसा सकें, उन्होंने बुमराह को बुलाया। आमतौर पर कोई और कप्तान होता कहता बुमराह से तो हम आखिरी ओवर कराएंगे, आखिरी के 2 ओवर 18वां और 20वां, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले बुलाया कि पहले मैच तो थोड़ा फंसाएं, लेकिन उन्होंने बुलाया और बुमराह निराश नहीं किया। इंडियन टीम के कोच की, राहुल द्रविड़ के बारे में आप कैसे कहना चाहेंगे, एक बतौर कोच कितने सफल साबित हुए हैं? देखिए, राहुल द्रविड़ को मैं मानता हूँ कि सचिन तेंदुलकर के साथ वो खेले, लेकिन वो अपने दौर के बेस्ट बल्लेबाज थे जी, टेस्ट में तो उनका कोई सानी नहीं था, नो डाउट। मैं सचिन तेंदुलकर से इसलिए नहीं तुलना करता क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो गॉड ऑफ द क्रिकेट है, तो उनसे किसी तुलना करना बेमानी, लेकिन उनको अगर इस लीग से हटा दिया जाए तो मुझे, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सनी गावस्कर के बाद, सुनील गावस्कर के बाद अगर कोई कंप्लीट बैट्समैन रहा है टीम इंडिया में तो राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का इतना लंबा चौड़ा करियर रहा है और बहुत शानदार करियर रहा है, ऐसे में उनके पास एक भी वर्ल्ड कप मेडल नहीं था उनके पास, बतौर जब वो 2003 में, 2003 से पहले 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी खेले तब वाइस कैप्टन थे, सौरव गांगुली कैप्टन थे, वहाँ पे कम्बाइंड साझा, बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया था तो साझा हो गए, ज्वाइंट चैंपियनशिप मिल गई, लेकिन वो मैच लड़के नहीं जीते। लेकिन उसके बाद आया एक बारी 2003 के, वहाँ पे हार गए फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। फिर उसके बाद 2007 में कप्तान थे, वेस्ट इंडीज़ में ही कप्तानी करने गए थे 50 ओवर, वहाँ पे पहले ही राउंड में बाहर हो गए। ऐसे में उस खिलाड़ी जो एक बड़ा लेजेंड प्लेयर हो, उसके लिए कहीं ना कहीं मायूसी तो थी ना, लेकिन उससे बहुत खुश होंगे वो और टीम भी बहुत खुश होगी कि उन्होंने अपने कोच को एक फेयरवेल गिफ्ट दिया। और जाते जाते जिस तरीके के पिक्चर्स आ रहे, विजुअल्स आ रहे थे राहुल द्रविड़ के, जिस तरीके एक्सप्रेशन उनको दिख रहे थे जब टीम इंडिया ने मैच जीता, उसके बाद जिस जब उनको ट्रॉफी हाथ में दी गई, जो एक्सप्रेशन उनके दिख रहे थे वो बहुत लाजवाब थे। और बाद में उन्होंने जब पूरे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद वो ग्राउंड में गए अपनी टीम के साथ, वहाँ एक छोटा सा उन्होंने पेप टॉक किया अपनी टीम के साथ, एक तरीके से फेयरवेल स्पीच भी दी। तो राहुल द्रविड़ ने अपने आप में, मुझे लगता है कि बतौर कोच बहुत उनका शानदार प्रदर्शन रहा है और उनकी कोचिंग के अंदर लगभग भले ही खिताब एक आया हो, लेकिन अगर आप देखेंगे दो ICC इवेंट्स में रनर अप रहे,
50 ओवर के क्रिकेट में रनर अप थे, उससे पहले वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसके फाइनल में तक भी उनकी टीम पहुंची। उससे पहले 2022 में T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ सेमीफाइनल तक पहुंची। तो बतौर कोच वो खुश होंगे। और सबसे अच्छी बात रही कि रोहित और राहुल द्रविड़ के आपस की जो ट्यूनिंग थी, कॉम्बिनेशन था, जो कहते हैं ना कि टीम मैनेज, एक टीम वर्क था, वो बहुत शानदार था। नए कोच के तौर पर गौतम गंभीर का नाम सामने आ रहा है, उनको एज अ कोच आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी ऐसा खबरें हैं, ऐसी खबरें हैं कि देखिए सारे लगभग कई मीडिया जगह बहुत तेज़ी से ये खबर है कि उनका लगभग बनना तय है। खैर इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि वो अगर वो बनते हैं तो बतौर देखना होगा। अभी तक उन्होंने IPL में कोचिंग की है, IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के वो मेंटोर रहे हैं, KKR के भी मेंटोर रहे हैं, KKR को अभी मेंटोरशिप की और वो जीत गए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि गौतम गंभीर वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में और 2011 ICC वर्ल्ड कप फाइनल जो कि इंडिया श्रीलंका के बीच हुआ, उसमें दोनों में गौतम गंभीर ने बहुत महत्वपूर्ण पारियां खेली थी। अगर मैं कहूँ कि जीत का एक अहम किरदार थे तो गलत नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग करना, जब आपके पास बड़े बड़े स्टार्स हों उनके साथ कोचिंग करना, और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का जो अनुभव है वो टीम जो आने वाली अब जो टीम उनकी स्टिंट रहेगी जितने जब तक की रहेगी, मेरे ख्याल से 2027 तक उनको मौका दिया जाएगा तो काम आएगी, क्योंकि वो खुद में भी बहुत उम्दा खिलाड़ी रहे हैं, बहुत एग्रेसिव, और उनकी अप्रोच रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी और वो खिलाड़ियों को बैक भी करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस पे एक बार उनको भरोसा रहता है वो बैक करते हैं। दिल्ली रणजी टीम के कप्तान थे तो कई खिलाड़ी को उन्होंने बैक किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो और बतौर कप्तान KKR के जब थे तो भी उन्होंने बैक किया, जब मेंटोर बने लखनऊ, वो खिलाड़ियों को बैक करने के लिए जाने जाते हैं, जिस पर उनको भरोसा होता है कि इस खिलाड़ी में पोटेंशियल, भले ही वो 2-3 मैचों में खराब खेला लेकिन उसको बैक करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खिलाड़ी बनाने पड़ते हैं, खिलाड़ी 1-2 मैचों से नहीं बनते हैं। आप किसी भी एरा में जाएंगे कोई भी खिलाड़ी 1-2 मैचों से नहीं बनता है, उसको समय देना पड़ता है, एक रन देना पड़ता है 6-7 मैचों का, उस पर भरोसा जताना पड़ता है कि नहीं आप हो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में, आप हो और आपको बना, आप पे बहुत भरोसा है, तो वो भरोसा जगाना पड़ता है। तो इस मामले में गौतम गंभीर माहिर है, देखना होगा कि कैसे कोच, जब वो टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे तो कैसा जाता है। और उम्मीद यही करते हैं, ये जो सफ़र शुरू हुआ है ना, एक तरीके का जिंक्स टीम इंडिया ने तोड़ा है, पिछले कई सालों में कई ट्रॉफीज़ में हार गए, फाइनल में पहुँचे, सेमीफाइनल में पहुँचे, अगर मैं 2014 में ICC वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुँचे, श्रीलंका से हार गए, उसके बाद अब वहाँ पर ये ICC ट्रॉफी चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुँचे, पाकिस्तान से हार गए, फिर 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुँचे, न्यूजीलैंड से हार गए, फिर उसके बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल पहुँचे, न्यूजीलैंड से हार गए, फिर उसके बाद आप पहुँचे वहाँ पर 2022 में इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार गए, उसके बाद आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हार गए फाइनल में, फिर उसके बाद आप अपने ही घर में अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। तो ऐसी लंबी, लेकिन मुझे लगता है कि जिंक्स टूटा है और एक बार फ्लड गेट ओपन हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले जो समय है उसमें अब अगला जो ICC इवेंट है वो इंडिया को खेलना है 2025 में, जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब वो जो मेंटल ब्लॉक था ना उसे अब तोड़ने में कामयाब रही है और ये टीम अब आगे जाएगी। आने वाली स्क्वाड में आप किन प्लेयर्स को देखते हैं? देखिए ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा हैं, इसके अलावा आपके ऋतुराज गायकवाड़ हैं और आपके शिवम दुबे, उसके साथ ही मुझे लगता है कि अब जो मौका आया है ना, एक संजू सैमसन खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको मौके मिले भी हैं नहीं मिले, लेकिन जो जो मौके मिले उन्हें अच्छा, अब उनको एक थोड़ा रेगुलर स्पेस मिलना चाहिए। हार्दिक पांड्या ही हैं, उसके अलावा आपके पास ये ऋषभ पंत है, तो मतलब टीम थोड़ी सेटल दिखती है, टीम थोड़ी सेटल दिखती है। अभी लोकेश राहुल, KL राहुल, उनकी भी देखिए वो अभी T20 टीम के लिए क्या अभी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि अभी भी उनकी जगह बन सकती है अगर वो थोड़ा, क्योंकि अभी वो एज, जैसे कि रोहित और विराट कोहली ने बिल्कुल रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दिया, तो अब वो जगह एक बनती है एक सीजन और एक्सपीरियंस खिलाड़ी की, वो जगह बनती है तो शायद उनको। लेकिन अगर हेड कोच गंभीर बनते हैं और टीम इंडिया के सिलेक्टर्स ये सोचते हैं, अजीत अगरकर ये सोचते हैं जो कि चीफ सिलेक्टर है, कि अब हमें नए खिलाड़ियों के साथ जाना है, क्योंकि हमें यंग ब्रिगेड तैयार करनी है। 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है,
उसके लिए अगर तैयार करनी होगी तो शायद सारे खिलाड़ी नहीं होंगे। पूरे मैच में साउथ अफ्रीका का भी प्रदर्शन अच्छा रहा, फाइनल्स में उनकी तरफ से क्या चूक हो गई? देखिए मुझे लगता है कि एक मेंटल ब्लॉक को जैसे इंडिया का था ना वो तोड़ नहीं पा रहे। 5 ओवर में 28 से 29 रन बनाने को हों और 5 विकेट हों आपके पास, तो मैंने कहा ना कि 100 में से 99 बार वो टीम जीत जाती है। लेकिन जैसे ही हेनरी क्लासन आउट हुए कहीं ना कहीं उन्होंने मैच को, उनके हाथ पैर कहीं ना कहीं वो प्रेशर उन्होंने ले, एक वो जो एक हवा होता है ना बड़े मैचेस का वो उन पे हावी हो गया। उसके बाद मार्को एंसन आउट हो गए, मिलर ने कोशिश की तो वो कैच पकड़ गए, हालांकि 5 गेंदों पे भी 16 रन बनते हैं। कागिसो रबाडा आए थे और एक चौका भी मिला था उनको, 4 गेंदों हाँ एक चौका मिला। लेकिन क्या है ना कि आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, आपको तय करना पड़ता है कि नहीं आपको जीतना है। हालांकि एक चूक हुई, अगर क्विंटन डिकॉक या हेनरी क्लासन आखिरी तक खेलते तो मुझे लगता 2 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता, अफ्रीका जीत जाती। अगर दोनों में से कोई एक बल्लेबाज टिकता, लेकिन दोनों ही नहीं टिके। और इस तरीके के बड़े फाइनल और खासतौर पर जब आपकी टीम हार जाती हो, चोक कर जाती हो, ऐसे में एक सीनियर खिलाड़ी का आखिर तक खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एक चूक हो गई, मुझे लगता है कि हेनरी क्लासन को मलाल रहेगा हमेशा, हमेशा मलाल रहेगा कि वो बाहर जाती गेंद को उन्होंने क्यों छोड़ दिया। वो शायद छोड़ देते तो वाइड मिल सकती थी उनको, एक अतिरिक्त रन बनता, लेकिन वो एक अतिरिक्त रन तो मिला नहीं, लेकिन एक विकेट चला गया जिसने मैच की कहानी तोड़ दी। और हार्दिक पांड्या ने उसके बाद सब सेट कर दिया और टीम इंडिया बिल्कुल हावी हो गई। बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं ना, और मुझे लगता है कि अभी तो पूरा देश एक हैंगओवर है, पूरे देश से बधाइयाँ आ रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, देश के बड़े बड़े दिग्गज लोग हों, लगातार प्रधान वो बात कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो टीम से बात भी की है। तो ये अभी तो एक जश्न के माहौल में डूबे हैं, और जैसी खबरें हैं कि काफ़ी देर रात तक टीम इंडिया पार्टी भी करती रही, जश्न मनाती रही जी, तो अभी तो एक दो दिन ये कुछ दिन चलेगा, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें अगले मिशन पर लग जाना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में खेली जाएगी। तो अगर देखा जाए तो जून खत्म हो चुका है, जुलाई लग जाएगा, देखा जाए तो 7 महीने हैं, तो अब उन्हें अगले यही नहीं रुकना है इस टीम को, उसको अगर अब एक बार शुरुआत हुई है खिताब जीतने की तो आगे तक जाना है। और चूंकि अब जो है मुकाबले से अब टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि टीम इंडिया में कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन एक मन में जो था ना कि हम पहुँचते हैं, हम अनबीटन रहे तो जीत गए, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा अप होगा। और कहीं ना कहीं अगर रोहित शर्मा ही, जैसा कि अभी तक स्कीम ऑफ थिंग्स में यही कि रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे, अगर रोहित शर्मा कप्तानी करते हैं तो जब जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जब भी होगी तो एक उनका मोराल भी हाई होगा, कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, और अब उनके खाते में एक आईसीसी ट्रॉफी होगी तो वो और बेहतर करेंगे। सर, दो दिग्गज प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली और एक दिग्गज कोच एक साथ रिटायर हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको, एक साथ 3 धुरंधर इंडियन टीम से जा रहे हैं? देखिए हर किसी का सपना होता है कि कामयाबी के साथ वो अपने सफ़र को अंजाम दें। मुझे लगता है कि रोहित और विराट ने वो मेहनत करी, वो जज्बा दिखाया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले तक, आफ्टर वो जो 19 नवंबर को जो फाइनल हारे थे, उसके बाद कई लोग कहते थे कि T20 के लिए क्या विराट कोहली रोहित शर्मा को बनाना चाहिए या नई टीम को ले जाना चाहिए, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी, एक आखिरी मौका के तौर पर उसको देखा और जिस तरीके का प्रदर्शन कर टीम इनको चैंपियन बनाया तो बहुत डिजर्विंग थे, और जिस तरीके से एक शानदार करियर का एंड किया तो काबिले तारीफ है। देखिए बड़े खिलाड़ी के जाने का थोड़ा तो सेटबैक होता ही है, दुख भी होता है, लेकिन यहीं से तो नए खिलाड़ी मिलते हैं। जब विराट और रोहित भी आए थे तो कुछ पुराने खिलाड़ी गए थे तो नए खिलाड़ी आए। मैं रोहित, आपने कोच राहुल द्रविड़ की बात की, मैं राहुल द्रविड़ की करियर शुरू होने की बात करूँ तो 1996 में जब इंग्लैंड में उनको मौका मिला, उनको और सौरव गांगुली को एक साथ मौका मिला था लॉर्ड्स में, उससे पहले संजय मांजरेकर का फॉर्म उस टेस्ट टीम में अच्छा नहीं चला था, और नवजोत सिंह सिद्धू की कुछ अनबन हो गई थी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से, तो वो चले आए थे, तो उन दो खिलाड़ियों को मौका मिला और दोनों ने अपने उस मौके को भुनाया, और उसके बाद वो वापस मोड़ के नहीं देखा, उसके बाद वो लगातार खेलते गए। तो ये जर्नी है क्रिकेट की, एक आता है और एक जाता है। तो क्रिकेट में जिस तरीके का टीम इंडिया के पास टैलेंट पूल है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई कमी होगी। हाँ,
फैंस को लगे कि हम विराट को नहीं देख पाएंगे, रोहित को नहीं देख पाएंगे, अभी वो 50 ओवर क्रिकेट खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, अगर 2020 में देखना है तो आईपीएल में भी खेलते नजर आएंगे, तो बहुत कुछ है, वो मौका है, उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। बड़े खिलाड़ियों को हमेशा बड़े मुकाम पे जाना चाहिए, दोनों ही बड़े मुकाम पे गए। यही बात कोच रविंद्र तो पहले ही कह चुके थे इस T20 वर्ल्ड कप का कुछ भी अंजाम हो वो अब कोचिंग नहीं करेंगे, वो अपना समय अपने परिवार को देंगे। तो एक बड़े कोच के लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने आखिरकार अपने एक बेहतरीन करियर को जो समापन किया टीम इंडिया के साथ, तो एक जीत पर किया। तो राहुल द्रविड़ के बाद जो भी अगले कोच आएंगे, नाम आपने अभी बीच में बोला ही कि गौतम गंभीर की चर्चा चल रही, जो भी आएगा वो यहाँ से उस बैटन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एक टीम बनाएंगे। और हर कोच हर कप्तान का एक नया विजन होता है, हर कोई उसी तरीके से टीम को शेप अप करता है, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल यही होता है कि टीम इंडिया लगातार जीते और इस देश के फैंस को जश्न और खुशी से झूमने का मौका दे। तो ये एक जर्नी है जो लगातार जारी रहेगी, खिलाड़ी आएंगे जाएंगे लेकिन क्रिकेट लगातार चलता रहेगा और भारतीय क्रिकेट हमेशा बुलंदी की ओर बढ़ेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, खिलाड़ी आते हैं जाते हैं ये तो होता ही रहता है। फिलहाल अभी हमारे लिए जश्न का मौका है, अब देखते हैं कि आगे भारतीय टीम में कौन नए खिलाड़ी आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। The ICC T20 World Cup.